बताइए ये डियरनेस अलाउंस, सॉरी हाउस रेंट अलाउंस कितना आ जाएगा? हाउस रेंट अलाउंस कितना आ जाएगा? स्टूडेंट्स हाउस रेंट अलाउंस कितना आ जाएगा? कितना टाइम लगता है 60,000 कैलकुलेटर होने के बाद भी? 60,000, 36,000 -10% of 84, 24,000, 50% of 40,000, 4,20,000. सेकेंड आपका 36,000 -84,000 यही है? ओके यस मैम दैट मीन्स आपका माइनस में फिगर आ जाएगा. माइनस मीन्स जीरो. 60,000 माइनस जीरो, 60,000 आपका एचआरए आ जाएगा. ठीक है. यस मैम नेक्स्ट द टेलीफोन बिल्स अमाउंट्स रुपीज 1,000 रुपीज पर मंथ एंड रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर. आप टेलीफोन बिल्स यूज करें, चाहे शॉपिंग करें या कोई भी फैसिलिटी यूज करें, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर उस फैसिलिटी के अगर आपको अलग से पैसे मिल जाते हैं इन कैश, तो वो टैक्सेबल हो जाता है. आप अपने घर पे बहुत सारी फैसिलिटीज यूज करते हैं, गीजर फैसिलिटी यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, स्टीम प्रेस करते हैं, जिसके लिए पैसे नहीं मिलते आपको कंपनी से, आपके एम्प्लॉयर से. लेकिन अगर अलग से पैसे मिलने लग जाए सैलरी के अलावा, तो टैक्सेबल होने चाहिए. राइट राइट यस मैम तो टैक्सेबल होंगे. इसमें टेलीफोन बिल्स होता, ही इज यूजिंग टेलीफोन फैसिलिटी कॉस्ट ₹20,000, तो कोई एंट्री नहीं होती. बट अगर ये लिखा कि ही इज यूजिंग टेलीफोन बिल्स कॉस्ट ₹20,000 एंड पेड बाय द एम्प्लॉयर, रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर, बियर्ड बाय द कंपनी, इन दैट केस वो टैक्सेबल हो जाएगा. अदरवाइज आप उसे कंसिडर नहीं करते. ठीक. तो इसमें टेलीफोन बिल्स इज रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर एट द रेट 1,000 पर मंथ, दैट मीन्स ₹12,000 एज ए टेलीफोन बिल्स इज टैक्सेबल अमाउंट. नेक्स्ट. क्लियर? ठीक है. यस और नो? यस मैम नाम दोबारा बता दो एक बार. कब नहीं क्या होगा टैक्स? अगर कल ही बताया बेटा आपको, अगर एम्प्लॉयर आपका रिम्बर्स कर रहा है तो वो ऐड होगा, अगर एम्प्लॉयर आपका रिम्बर्स नहीं कर रहा है तो ऐड नहीं होगा. लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली ये नहीं लिखा होगा कि एम्प्लॉयर रिम्बर्स कर रहा है या एम्प्लॉयर रिम्बर्स नहीं कर रहा है. वो आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी कि उस स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है. अगर लिखा है ही इज यूजिंग, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस फैसिलिटी एक्स वाई जेड फैसिलिटी विच इज नॉट पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल नहीं होगा. बट इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, लेकिन एम्प्लॉयर अगर आपको पे कर रहा है, पैसे दे रहा है अलग से, तो वो टैक्सेबल होगा. एज सिंपल इज दैट. आप गोल्ड ओके ब्रेसलेट पहन रहे हैं, अगर गोल्ड ब्रेसलेट आपको चेंज करने की आदत है, आपको एम्प्लॉयर पैसे नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर वो अलग से हर महीने आपको पैसे दे रहा है, तो टैक्सेबल होंगे. आपकी सैलरी 10 लाख की 20 लाख हो गई. क्लियर? यस मैम नेक्स्ट इज योर इज प्रोफेशनल टैक्स, 7th पॉइंट. प्रोफेशनल टैक्स आपकी डिडक्शन होता है, वो डिडक्शन के लास्ट में माइनस होगा, अभी ये माइनस नहीं होगा. नेक्स्ट है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस होता है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. दैट मींस अब क्वेश्चन चेंज हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो गया, जैसे कल वाला क्वेश्चन था. अब आप सम टोटल बताइए, 8,40,000 प्लस 60 प्लस 84 प्लस 54 प्लस 24 प्लस 60 प्लस 12 कितना आ जाएगा? दिस इज योर इनकम फ्रॉम सैलरीज. एट लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस 60,000 प्लस 54,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000 एचआरए प्लस 12,000 रुपीज ये टेलीफोन बिल्स. ये अमाउंट कॉस्ट एग्जैक्ट इज 10,50,000 रुपीज. दिस इज योर इनकम फ्रॉम सैलरीज प्लस हाउस प्रॉपर्टी. क्लियर? क्लियर? यस और नो? यस मैम यस. ईच वन ऑफ यू क्वेश्चन क्लियर है?
यस मैम नेक्स्ट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी म्युनिसिपल टैक्स इज पेड, प्रोफेशनल टैक्स पेड, कॉर्पोरेट टैक्स पेड, इन्वेस्टेड इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इन्वेस्टमेंट 5 लाख इन द न्यू हाउस, एग्रीकल्चरल लैंड कॉस्ट, देन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी 4,90,22 एंड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस इज 4,90,000 राइट. यस मैम इसमें प्लस करके लिखिए. एक सेकेंड, मैं आपको अभी तक का सम टोटल भेज रही हूँ. अभी तक का सम टोटल चेक करिए सारे बच्चे, 10,50 ही है. ऐसे प्लस का साइन लगाइए और लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ये लिखना है नहीं आपको, अंडरस्टूड है? ये नया क्वेश्चन नहीं है कि अलग से आप सिर्फ लिखेंगे इनकम स्टार्ट करेंगे. लिखिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होती है, राइट राइट. ये लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का केस नहीं है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का केस है. लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, अनरियलाइज्ड रेंट सब कुछ माइनस करते हैं, एंड देन जो भी कल कैलकुलेशन हमने की थी. लेकिन ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें वो खुद रह रहा है, तो इसलिए इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में, राइट? यस और नो? यस मैम. स्टूडेंट्स मैं हर बच्चे से पूछ रही हूँ, कुछ बच्चे इस क्लास के सीआर नहीं है, ये ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है, कोई सीआर तो पॉइंट हुआ नहीं है कि आपके बेसिस पे आपके बिहाफ पर बोलेगा और आप गूंगे बन के बैठे रहेंगे. क्लियर मैम. ईच वन ऑफ यू माइक ओपन करिए और जवाब दीजिए. यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. किसी कथा में प्रवचन में बैठे हैं क्या कि सिर्फ सुनना और बोलना नहीं है? ये स्कूल की आदत अभी तक जा नहीं रही है कि यस मैम के अलावा कुछ और भी बोलना है. एनीवेज, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में लिखिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस 4,90,000. माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड. एट्थ एंट्री आपको पहले करनी है, 13th एंट्री सीरियल नंबर यही रहेगा. 13th एंट्री, 13th में से माइनस करेंगे आप म्युनिसिपल टैक्सेस पेड विच इज योर 8th एंट्री. म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज 7,000 रुपीज पर मंथ, सॉरी 7,000 रुपीज नॉट पर मंथ. अनरियलाइज्ड रेंट है ही नहीं क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है. 490 माइनस 7, 4 लाख कितना आ जाएगा? 4,83,000. दिस इज योर नेट एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सॉरी नेट एनुअल वैल्यू इज 4,83,000 माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 एट द रेट 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू. 30% ऑफ 4,83,000 माइनस हो जाएगा, इसमें से कितना आ जाएगा? 4,83,000 का 30% क्या आ जाएगा? 1,110, 2,110, 1,10. मैम एक सेकंड रिपीट करना प्लीज. मैम 1,44,900. हाँ बताइए, 319 क्या आएगा? 1,44,900. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा टोटल 4,83,000 माइनस 1,44,900, 3,38,000 इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. कैपिटल गेन स्टार्ट करिए, प्लस का साइन लगाइए और कैपिटल गेन स्टार्ट करिए.
कैपिटल गेन में सबसे पहले आप क्या एंट्री करते हैं? सबसे पहले एंट्री किस चीज की होती है कैपिटल गेन में? स्टूडेंट्स कैपिटल गेन में सबसे पहले एंट्री किस चीज की होती है? सेल्स कंसीडरेशन, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट, सेल्स कंसीडरेशन, सेल्स कंसीडरेशन दैट मींस द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी. द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी इज 52 लाख. इसने एक एग्रीकल्चरल लैंड बेचा है 52 लाख का, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. उसने प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी? सेल्स कंसीडरेशन आपका पॉइंट है 12th पॉइंट, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. उसने प्रॉपर्टी खरीदी कितने में थी? उसने इन्वेस्ट किए हैं 1,20,000 कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में. ये इन्वेस्टमेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसने कितने में खरीदी थी. इन्वेस्टमेंट 5 लाख की भी की है, 45,000 की भी की है, और ये प्रॉपर्टी इसने कितने में खरीदी थी? 22 लाख में, 22 लाख. एंड द ईयर 2014-15, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर. करंट ईयर का कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है? 301. क्या है? 301 मैम, करंट ईयर. एंड 2014-15 का क्या है? 240. So 22 lakhs into 301 divided by 240, you will get 27,59,167. इसमें से आप 52 लाख में से इसे माइनस करिए. यू विल गेट 24,40,834 एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 54. फर्स्ट डिडक्शन जो आप कैपिटल गेन में माइनस करेंगे, कैपिटल गेन में इसने सबसे पहले कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए इस साल. फर्स्ट है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जो पैसे लगाए जाते हैं डिडक्शन का पार्ट होते हैं अगर आपने उसी साल इन्वेस्ट किए हैं, तो वो है 1,20,000 रुपये, वो आपका माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट आपकी सेकेंड डिडक्शन है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड जिसने खरीदे 45,000 में, वो भी आपका डिडक्शन में माइनस हो जाएगा. नेक्स्ट अगर इसने कोई न्यू प्रॉपर्टी परचेज की है, वो भी माइनस हो जाएगा. इसने 5 लाख की एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है, न्यू प्रॉपर्टी परचेज्ड 5 लाख रुपीज, ये भी आपका माइनस हो जाएगा एज अ डिडक्शन. दैट्स इट, इतना ही है कैपिटल गेन. नहीं, नेक्स्ट इज ही आल्सो परचेज्ड 22,000 रुपीज इक्विटी शेयर्स. उसने इक्विटी शेयर्स भी इसी साल खरीदे हैं इस पैसे में से जो कैपिटल गेन में बचे हैं उसके पास, 22,000, ये भी माइनस हो जाएगा. इन शॉर्ट आपने जितने की प्रॉपर्टी बेची है उसमें से जितने की खरीदी थी वो आपका प्रॉफिट होता है. 52 लाख की बेची है, 22 लाख की खरीदी थी, वो आपने माइनस कर दिया, 24 लाख आपके पास प्रॉफिट आ गया, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से माइनस कर दिया. लेकिन गवर्नमेंट जब 24 लाख पर टैक्स लगाती है तो आप ये कहते हैं नहीं, इस 24 लाख में से मैंने एक मकान भी खरीदा है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसे भी जमा किए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स भी खरीदे हैं और नई प्रॉपर्टी खरीदी है, इक्विटी शेयर्स भी खरीदे हैं. शेयर्स आर इक्विवेलेंट टू द लैंड एंड द हाउस एंड द ज्वेलरी एंड अदर लाइक प्रॉपर्टीज, उसके इक्विवेलेंट होते हैं. सिर्फ उनका टाइम चेंज होता है, अगर शेयर्स 12 महीने बाद बेचे हैं तो वो लॉन्ग टर्म है, और अगर 36 महीने के बाद बाकी प्रॉपर्टीज बेची है तो वो लॉन्ग टर्म है. शेयर्स में और उसमें ये डिफरेंस होता है, लेकिन शेयर्स आपने प्रॉपर्टी ऐसे खरीदी तो है ही, तो आप यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि 24 लाख में से मैंने इतने पैसे यहाँ इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल गेन में, तो ये माइनस हो जाएगा और जो आ जाएगा वो आपके पास कैपिटल गेन होगा इस साल का. एंड योर कैपिटल गेन विल बी 17,53,836. 834 minus 1,20,000 minus 45,000 minus 5 lakhs minus 22,000 17,53,834. This is your
कैपिटल गेन. नेक्स्ट क्वेश्चन में कैपिटल गेन के बाद अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज पे आ जाइए, ऐड करिए अदर सोर्सेज. अदर सोर्सेज लॉटरीज 25,000 रुपीज, अमाउंट विनिंग अमाउंट इज 81,000. फर्स्ट पॉइंट, 15th पॉइंट सॉरी, लॉटरीज 81,000 इंटू 90/100, ये आप मल्टीप्लाई कर देंगे. और वो कह रहे हैं मैंने 25,000 की लॉटरी टिकट्स खरीदे थे, तो क्या 25,000 पे माइनस होंगे? नहीं, माइनस नहीं होंगे. अगर एक कैपिटल गेन में होता कि 50,00,000 का मकान बेचा, 20,00,000 का खरीदा था, तो माइनस होगा. अगर प्रॉफिट हो रहा है 81 लाख का, वो कह रहे मैंने 25,000 की टिकट्स खरीदे थे, तो दिस इज काइंड ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस. स्पेकुलेशन बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट माइनस नहीं करती है. तो 81,000 फुली टैक्सेबल होगा विदाउट कंसिडरिंग द 25,000 इन द केस ऑफ द लॉटरीज. मैंने कल भी ये बताया, तो 81,000 इंटू 90/100 कितना आ जाएगा? 81,000 इंटू 90/100 कितना अमाउंट आ जाएगा? तुम लोग कुछ हिंदी की पोएम्स कहानियां ज्यादा तो नहीं सुनने लग गए ना? तुम लिटरेचर के बच्चे तो नहीं बन गए ना? कहीं कॉमर्स के बच्चे होते होते क्या पता चला तुम लिटरेचर के बच्चे बन गए हो, कहानियां किताबें और लेखक बन गए हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना? या जीवन शैली पे ज्यादा रिसर्च करने लग गए हो बजाय की टैक्स के और कॉर्पोरेट के? 110 माइक ओपन रखिए. मैम एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, मैं इंटर्नशिप पे हूँ अपने, तो आई एम नॉट अलाउड टू अटेंड. लॉग आउट करिए, लॉग आउट करिए क्लास. नेक्स्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8th इशू 5,000 रुपीज. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ध्यान से सुनिए, जब आप इनकम फ्रॉम सैलरीज करते हैं अंडर सेक्शन 80C, तो आप उसमें कहते हैं कि अगर नेशनल 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में या PPF में, तो 80C में आप माइनस कर देते हैं. यहाँ पर माइनस करने की बात नहीं हो रही है, जो उसने 1,50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए थे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में PPF पे, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है. जो इंटरेस्ट उसे मिल रहा है वो कहाँ पर जाएगा? वो इंटरेस्ट जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. क्लियर है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड किसान विकास पत्र, इसमें आप जो भी पैसे जमा करते हैं, ऐड करते हैं, वो अंडर डिडक्शन 80C डिडक्शन का पार्ट होते हैं, वो माइनस हो जाते हैं. आपने इस साल पैसे जमा किए, गवर्नमेंट ने इस साल माइनस कर दिए. व्हाट अबाउट आफ्टर 10 ईयर्स? आफ्टर 10 ईयर्स आपको उन सबके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, वो जो इंटरेस्ट मिला है वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है और टैक्सेबल है. तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8th इशू हो, 9th इशू हो, या 2020-21 इशू हो, या 24 का इशू आया हो, कोई भी इशू हो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पे, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है 5,000, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है. तो यहाँ पर लिखिए इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. एंड व्हाट अबाउट द PPF इंटरेस्ट? PPF इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज्यादा होता है स्टूडेंट्स. Yes, ma'am. PPF अगर 9.5 से ज्यादा होता है तो टैक्सेबल होता है. पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जो पैसे जमा करते हैं इसी साल 2020-21 में, वो 1.5 लाख तक डिडक्शन का पार्ट होता है. आपका एम्प्लॉयर जो आपके PPF में ऐड कर रहा होता है, वो आपका एम्प्लॉयर जब सॉरी ऐड नहीं सबमिट कर रहा होता है आपके अकाउंट में, जो सेव कर रहा होता है, वो आपका 12.5% तक टैक्स फ्री है. अगर उससे ज्यादा वो ऐड करता है तो 12.5% से अबव जो है वो टैक्सेबल है, आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है. और बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है उसी साल, वो 9.5% से अगर ज्यादा है तो उस साल टैक्सेबल होगा, 9.5% से अगर कम है तो टैक्सेबल नहीं होगा. बट व्हाट अबाउट अगर बैंक आपको 10 साल का कलेक्टिव इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता है लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स. इसमें 5,000 रुपए इसको इंटरेस्ट मिल रहे हैं जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है. नेक्स्ट, 1,90,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में वो
सबमिट कर रहा है, ये डिडक्शन का पार्ट है. अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, कोई भी सोर्स ऑफ इनकम है आपका जो आपने डिस्क्लोज नहीं किया है लेकिन आपको इनकम हो रही है. इलीगल का मतलब ये, लीगल जो चीज नहीं है उसका ये मतलब नहीं है वो इलीगल है. आई एम रिपीटिंग अगेन, सिगरेट पीना लीगल नहीं है लेकिन सिगरेट पीना इलीगल भी नहीं है. अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज का मतलब इलीगल नहीं होता है, जो सोर्सेज लीगल नहीं है वो इलीगल है ऐसा नहीं होता है. क्लियर हो गया? तो अनडिस्क्लोज सोर्सेज से जो इनकम होती है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होती है और टैक्सेबल होती है. रॉयल्टी, अगर आपके पास कोई माइन है, एक वो रॉयल्टी होती है और एक रॉयल्टी अगर आप कोई बुक वगैरह लिखते हैं तो, अगर आपके पास कोई माइंस वगैरह है उस माइंस वगैरह से आपके पास स्टोन्स आते हैं कुछ भी आता है और अगर आपने इसको रेंट पर पे किया है तो वो रॉयल्टी जो आप रिसीव करते हैं उसके बदले वो रॉयल्टी भी टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. और अगर आप कोई बुक लिखते हैं और वो बुक मार्केट में पब्लिश होती है और हर साल उसकी कुछ कॉपीज बिक रही है, हर साल बिक रही है, तो उसके आप हर साल तो बुक लिख नहीं रहे, हर साल तो पैसे मेहनत कर नहीं रहे, लेकिन जो रॉयल्टी आती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होती है. तो रॉयल्टी 12,000 रुपीज आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट इज फैमिली पेंशन. फैमिली पेंशन आपकी जो पेंशन होती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम सैलरीज में. इनकम फ्रॉम सैलरीज में मिस्टर ए इज गेटिंग रिटायरमेंट, सैलरी प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन, जैसे सैलरी की ट्रीटमेंट होती है वैसे ही पेंशन की भी ट्रीटमेंट होती है. बट व्हाट अबाउट द फैमिली पेंशन, आपके पेरेंट्स जो है ओल्ड एज पेंशन ले रहे हैं, कोई अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन पेंशन ले रहे हैं, वो सारी पेंशन टैक्सेबल होती है? नहीं, ये टैक्सेबल होती है लेकिन उसका 1/3 जो होता है सिर्फ वही आपकी सैलरी में एड होता है. तो फैमिली पेंशन इज 36,000 रुपीज, उसका 1/3 आपके पास कितना आ जाएगा? 12,000 आपका टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. इंटरेस्ट ऑन लोन, आप पर्सनल लोन लिया था, अगर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं तो अंडर सेक्शन 24 लोन फॉर बोरोड कैपिटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में माइनस हो जाता है. आप इनकम फ्रॉम सैलरीज में लोन लेते ही नहीं क्योंकि आप सैलरी करें. अगर आप कोई हाउस सॉरी पर्सनल लोन लेते हैं और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एड होता है, और अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में माइनस हो जाता है. तो इंटरेस्ट यू आर पेइंग फॉर पर्सनल लोन इज 14,000, ये आपके डिडक्शन का पार्ट है. और आप जो हॉर्स रेस में पैसे जीते हैं 4,000 रुपीज, वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है. तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आज आपका आ जाएगा 8,100 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 4, कितना आ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना आएगा? 1,17,000 आएगा क्योंकि इनकम फ्रॉम लॉटरी 72,900 है. 8,100 गलत लिखा हुआ है, मतलब किसने बताया? 81,000 इनटू 9,100 क्या आएगा? 72,900. और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टोटल क्या आएगा? 1,06,900. Okay. Next. Next is your deductions. अब add करिए, लिखिए income from salaries 10,50,000. Plus house property. मैम इनकम फ्रॉम सैलरीज भी 11,34,000 होगा. अब 10,50,000 रखिए, अगर कुछ और आएगा तो बाद में ऐड करेंगे, पूरी क्लास नहीं किया हुआ है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,38,000, फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए. देन उसके बाद है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 1,753,834. देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,06,900. उसमें से माइनस करिए डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C 280U. फर्स्ट डिडक्शन आपकी क्या है? फर्स्ट डिडक्शन है आपकी प्रोफेशनल टैक्स, माइनस करिए प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 14,000. सेकेंड डिडक्शन क्या है आपके पास? सेकेंड डिडक्शन है आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स
जो उसने 1,90,000 की खरीदी थी, टोटल 1,50,000 माइनस हो जाएगा। दैट्स इट, ये दोनों माइनस रहेगा, आपके पास टोटल आ जाएगा टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, राइट। प्लस करके देखिए कितना आ रहा है, 10,50,000। यस मैम। 10,50,000 प्लस 3,38,100 प्लस 17,53,834 प्लस 1,06,900, 32,48,834। इसमें से माइनस करें डिडक्शन 150 एंड 14,000, 3 लाख, 30 लाख्स, 84,834। नाउ इसमें ऐड करिए एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस एट द रेट 5%, 30,84,834 का 5% इसमें ऐड हो जाएगा। विच इज योर 1,54,241। अब जो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा वो आपकी इनकम फ्रॉम, वो टैक्सेबल इनकम होगा, प्लस 30, दैट मीन्स आपको टैक्स देना था 30 लाख पर, आप टैक्स दे रहे हैं 32 लाख 39,075 पे। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए। ठीक, यस मैम, यस मैम, अदर्स ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? और क्लियर नहीं तो थोड़ी हिंदी की क्लास अच्छे से अटेंड करिए, लेखक बनिए, कविताएं पढ़िए, कहानियां सुनिए, भाषा शैली के ऊपर अध्ययन करिए और फिर एक अच्छे से लेखक बन जाइए। बहुत बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनी आपको जॉब दे देगी, अच्छे से लेक्चर अटेंड करिए। अगर क्लियर नहीं है तो अपने आप क्लियर हो जाएगा भाषा शैली का अध्ययन करने से, राइट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, राइट। क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम, हम क्लियर है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में मेन यही चार डिडक्शंस माइनस करने के लिए आती हैं। जो उसके पास पैसा आया, उसने 50 लाख का मकान बेचा है और 30 लाख का खरीदा था, 30 लाख का अगर 36 महीने के बाद बेचा है तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 36 महीने के पहले बेचा है तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स माइनस नहीं होगा। अगर 36 मंथ्स होल्ड करने के बाद प्रॉपर्टी बेची तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, बिफोर दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, एज सिंपल इज दैट। तो उसमें अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट किया, न्यू प्रॉपर्टी परचेज, न्यू लैंड परचेज, न्यू शेयर्स परचेज इन द प्रीवियस ईयर, जिस ईयर में प्रॉफिट हुआ है उसी ईयर में अगर परचेज किया है, दैट डजेंट मैटर कि आपको प्रॉफिट हुआ था मार्च अगस्त में एंड यू आर सेइंग कि आपने प्रॉपर्टी जुलाई में खरीदी, 1 महीने पहले ही खरीदी, तो हम क्लेम नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है, पूरे प्रीवियस ईयर में जब भी उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, जरूरी नहीं कि प्रॉफिट होने का जो मंथ है उसके बाद ही खरीदी हो, यू आर क्लेमिंग दिस कि यस मैंने प्रीवियस ईयर में खरीदी है, इसमें से खरीदी, इसलिए टैक्स नहीं लगना चाहिए। बट इवन आफ्टर दैट अगर आपने प्रॉपर्टी पहले खरीदी है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, शेयर्स में, जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट पहले किया है, तो भी वो डिडक्शन का पार्ट होता है अंडर सेक्शन 54। जितने भी आप इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट्स पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज में, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, किसान विकास पत्र में, वो सारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं डिडक्शन का पार्ट होते हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज में, और उन्हीं सब पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट पार्ट हो जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का। क्लियर? अब आपको कल मैं चैप्टर कराऊंगी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अब आपका हो गया सेट ऑफ, दैट मींस ये इनकम फ्रॉम, सॉरी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपका जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो जीरो आ जाती है, नेशनल नेट एनुअल वैल्यू जो है वो आपकी माइनस में आ जाती है। आंसर आपको माइनस में आया होगा इस क्वेश्चन में, वो प्लस में लिखा है इस क्वेश्चन में, गलती की एक मैंने, यस ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीरो है तो नेशनल नेट एनुअल वैल्यू माइनस करने के बाद आंसर नेगेटिव में आता है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आंसर आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है। कल वाले क्वेश्चन में भी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था।
देन किसी में कैपिटल गेन आता है. इन्कम फ्रॉम लॉटरीज आप देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं देखते हैं. उसमें भी आपका लॉस फ्रॉम अदर सोर्सेज आ सकता है. आप हॉर्स रेस कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो लॉस आता है. तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, अभी तक आपने लिखा इस क्वेश्चन में कि ये इसकी टोटल इनकम है और इसके ऊपर इतना टैक्स बनेगा. व्हाट अबाउट द सेट ऑफ, इस साल की इसकी इनकम इतनी कम है कि इसका लॉस ज्यादा है, तो लॉस कैसे एडजस्ट होगा? तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर उससे आपको रिलेट करेगा, देन कल वो करवाऊंगी. ठीक है, ओके मैम. मैम एक असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेट ऑफ प्रोविजंस एंड ऑफ. कैरी फॉरवर्ड कहाँ वो कल हो जाएगा. ओके तो मैम कल सबमिट कर देंगे अपना. हाँ आप कल करिए, पहले करिए बाद में करिए वो ठीक है. मैं असाइनमेंट सबके चेक करने के बाद एक दिन क्लास का वाइवा लूंगी, एक दिन में पूरी क्लास का, किसी ओके से मैम, कुछ भी पूछ लूंगी, पूरी बुक में से. कोर्स कंप्लीट करवाने के बाद पूछूंगी, नंबर्स लगाऊंगी फाइनल, उसके बेसिस पे होंगे. ऐसा नहीं कि बच्चे ने बुक में से कट कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके भी उतने ही नंबर आ जाएंगे, और जो बच्चा पूरी साल मेहनत से पढ़ रहा है उसके भी उतने ही नंबर आ जाएंगे. तो मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं करूंगी जिसने पूरे साल पढ़ाई की है, राइट? तो एक वाइवा तो होगा ही. ओके मैम. लॉटरीज 90% पे टैक्सेबल होती है। अभी कराऊंगी चैप्टर पूरा डिटेल में आपको. अभी तो आपका क्वेश्चन ग्रॉस टोटल इनकम के बेसिस पर चल रहा है. दिस इज नॉट द रियल इनकम टैक्स जो भी आप कर रहे हैं. इनकम टैक्स इससे आगे भी कुछ है. ठीक है, और कोई डाउट है किसी बच्चे को? आप इतना याद कर लीजिए अभी के लिए कि इनकम फ्रॉम लॉटरीज जो है उसको 90/100 से आपको मल्टीप्लाई करना है. इसके बाद आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिबेंचर्स पे जो आपकी इनकम होती है और शेयर्स पर जो इनकम होती है, उसके बाद अगर आपने शेयर्स बेचे, हमको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में क्या पढ़ाया मैंने आपको कि जीरो कूपन बॉन्ड इक्विटी शेयर्स या जो भी आपके पास शेयर्स हैं उन्हें आपने खरीदा 12,000 रुपए में और बेच दिया 20,000 रुपए में, तो प्रॉफिट हो गया 8,000. 12 महीने के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया. बट व्हाट इफ आपने शेयर्स बेचे ही नहीं है, आपके पास 20,000 के शेयर्स थे और आज के टाइम में वो 2 करोड़ के शेयर्स हो चुके हैं, तो व्हाट अबाउट दैट? वो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, अगर आपने उसको पे ऑफ करा लिया है, डीमेटरलाइज करा लिया. जो डीमेटरलाइजेशन मेटरलाइजेशन आप कॉर्पोरेट लॉ में इस टाइम पे पढ़ भी रहे होंगे, मेटरलाइज कराया, डीमेटरलाइज कराया, इस प्रोसेस में आपके पास आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जो आ रहा है, व्हाट अबाउट दैट इंटरेस्ट? वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. तो उस इक्विटी शेयर्स पे जो इंटरेस्ट आएगा उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक वो चीज है. और दूसरी मल्टीप्लीकेशन है लॉटरीज. लॉटरीज में याद कर लीजिए कि 90/100 से मल्टीप्लाई होगा और उसमें जो इंटरेस्ट होता है 10%, मानो 10% ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, 10% ऑन जीरो, 10% ऑन एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं उसके ऊपर आपको मिल रहा है. तो जो शेयर्स का अमाउंट होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो इंटरेस्ट आता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो माइनस कर देते हैं. वो आपको मैं कराऊंगी एक दिन क्वेश्चन, तभी प्रैक्टिकल समझ में आएगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दो ही चीजें मल्टीप्लाई होती है, एक लॉटरीज और एक इंटरेस्ट के लिए शेयर्स. तो लॉटरीज में 10, 90/100 और उसमें जो है वो आपको एक दिन करा दूंगी. ठीक है, आपको पजल अब होना है, अब आप परेशान होंगे. प्रॉब्लम पजल होने वाली स्टेज ये है. इनकम फ्रॉम सैलरीज कुछ भी नहीं है, सैलरी डीए बोनस ये वो सब ऐड कर दिया टोटल आ गया. हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऐड कर दिया आ गया. सेल्फ ऑक्यूपाइड में माइनस में आंसर आ गया. कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, बहुत आसान है. बिजनेस एंड प्रोफेशन अकाउंट्स में आप कर चुके हैं. अदर सोर्सेज जो चैप्टर है होता अदर्स है, सबसे छोटा चैप्टर है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बाकी सारे चार चैप्टर्स का जो प्रॉफिट है वो इसमें ऐड हो जाता है, इंटरेस्ट ऐड हो जाता है, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं वो इंटरेस्ट माइनस हो जाता है, और उसके बाद उन चारों में ऐड होने के बाद फिर एजुकेशन से सेकेंड एजुकेशन से अलग से टैक्स लगता है 5%, और फिर टैक्सेबल इनकम पे आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है बाकी सारे चैप्टर्स को रिलेट करता है, और सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये बताता है इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज को कि हमारे 32 लाख पर 30 लाख पर टैक्स देना था. इस क्वेश्चन में आपको 5% आपने सेकेंडरी एजुकेशन सेस और एजुकेशन सेस लगा दिया, उसे 32 लाख पर टैक्स देना है. अब गवर्नमेंट कह रही है 32 लाख पर टैक्स दो, वो कह रहे हैं नहीं पिछले साल के मेरे पैसे पड़े हुए हैं, पिछले साल का मेरा लॉस है. लॉस कितना है? मेरे पिछले साल का लॉस जो है वो 28 लाख का है. वो लॉस कितने साल से चला रहा है? वो 4 साल से चला रहा है, तो 5वां साल है तो कंटिन्यू नहीं करेगा, गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करेगी. लेकिन अगर थर्ड ईयर है तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है वो 28 लाख जो है वो सेट ऑफ करो. तो ऐसा नहीं कि 32 में से 28 माइनस हो जाएंगे. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में आया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो लॉस पिछले साल का जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था उसमें से माइनस होगा. सैलरीज का सैलरीज में एडजस्ट होगा, पहले सेम हेड में एडजस्टमेंट होगी, और सेम हेड में एडजस्टमेंट जब पॉसिबल नहीं होगी तो अदर इंट्रा हेड्स में कैसे होगी वो एक रूल है जो आप कल कर लेंगे. ठीक है. यस मैम, बेहतर।
ओके ठीक है, आप लोग लॉग आउट करिए. थैंक यू मैम. ओके बेटा. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. पढ़ाई कर लीजिए, रियल पढ़ाई कॉमर्स की, क्योंकि आप लोगों को नोट छापने हैं, पैसे कमाने, कविताएं नहीं लिखनी है, कहानियां आपसे कोई नहीं सुनेगा, भाषा शैली के ऊपर और ज्ञान कोई नहीं सुनेगा आपसे. आपको जाना है कहीं पे किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, और वहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही इंटरव्यू देना है. वहां पर भाषा शैली पे कोई आपसे लेक्चर नहीं सुनेगा, या किसी भी और थीम पे लाइफ के, या कोई आपकी फिलोसफी नहीं पूछेगा, या कॉलेज में कितना स्ट्रगल किया ये कोई नहीं सुनेगा. टीचर्स ने लेक्चर्स नहीं लिए, ये आपकी कहानी थर्ड ईयर तक ही सुनी जाएगी सारी. थर्ड ईयर के बाद सिर्फ आप इंटरव्यूज के लिए धक्के खाएंगे. इसलिए पढ़ाई कर लीजिए ठीक से, अपने करियर के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए नहीं, किसी के लिए, अपने लिए. अगर खुद पैसा कमा के कुछ सेटल होना, और वरना तो फिर देश में वो ले आइए, क्रांति ले आइए, और करते रहिए जो करना अपने मन की. ठीक है, पढ़ लीजिए, फाइनेंस पढ़ लीजिए, कॉमर्स के बच्चे हो कॉमर्स पढ़ो, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ो, बिजनेस लॉ पढ़ो, इनकम टैक्स पढ़ो, मार्केटिंग पढ़ो, स्ट्रेटजीज पढ़ो, कॉर्नर डिप्ले मॉडल पढ़ो, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, किंग डिमांड मॉडल पढ़ो, जो तुम्हें काम आएगा भी एक साल बाद. तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, जिस तरीके की मार्केट की सिचुएशन है, स्पेशली फॉर द कॉमर्स के स्टूडेंट्स. एमबीए के स्टूडेंट्स 25-25 हज़ार की नौकरी के लिए रिसेशन में धक्के खा रहे हैं, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड. राइट, कोविड सिचुएशंस में कोई भी कंपनी, अगर आप एक कंपनी ओपन करते हो, आपको पता चल जाता है घर बैठ के काम हो रहा है, इनकम फ्रॉम हाउस हो रहा है, ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है आपका काम, तो आप वेंटिलेशन क्यों दोगे, एसी क्यों दोगे, लाइट क्यों दोगे, अपने घर से काम कर रहे हैं. और अगर वो बच्चा बिहार का, वो कह रहा है मैं और कम पैसे में कर रहा हूँ, तो वो तो करवाएगा उससे काम, तो दिल्ली के बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे. और हर साल 1.5 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं. राइट, तो थोड़ा ठीक से पढ़ लीजिए, ध्यान देके पढ़ लीजिए. मैं पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, कोई और टीचर पढ़ाए नहीं पढ़ाए, खुद के लिए पढ़ लीजिए बुक से. एनीवेज लॉग आउट. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके बेटा.